हुकूमत का लोड शेडिंग का एतराफ, मुल्क भर में 12 घंटे तक लोड मैनेजमेंट, 10-20% लाइन लॉसेज वाले इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना, कौमी असेंबली में दस्तावेजात पेश। कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली, बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे जा पहुंचा। मलीर शाह फैसल, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी, गुलशन इकबाल, सरजानी में कई कई घंटे लोड शेडिंग। कुरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और दीगर इलाके भी मुतासिर। जमात इस्लामी का आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का ऐलान। पंजाब असेंबली में शोर शराबा, हसन मुर्तजा के वजीर आजम के खिलाफ रिमार्क्स पर ऐवान में नारेबाजी, अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की दूसरे रोज भी हड़ताल, तेल की सप्लाई बंद, वजारत पेट्रोलियम की मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी, पीर को मुजाकरात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया, वजारत पेट्रोलियम का हड़ताल खत्म कराने का दावा। कराची में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है हड़ताल जारी रहेगी। अमेरिका में पीआईए के रोजवेल्ट होटल पर डोनाल्ड ट्रंप की नजरें, कब से अमेरिकी सदर ने 1989 में वजीर आजम बेनजीर से मुलाकात में होटल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की, मोहतरमा ने कौमी असासा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हुकूमत का बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगाने का फैसला, श्री मजारी ने सेनेट को आगाह कर दिया, कहती है काबीना ने बिल की मंजूरी दे दी है। कराची में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल, वक्ते वक्ते से बारिश, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, कयूमाबाद, गजरी और दीगर इलाकों में रिमझिम, बादल आज रात तक बरसेंगे। लाहौर, अटक, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश, कई जगह बिजली का निजाम दरहम बरहम।